हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अगरबत्ती परफ्यूमिंग के ऊपर, कि किस तरह से हमें अगरबत्ती परफ्यूमिंग करनी चाहिए। तो मैं कुछ मटेरियल्स यहाँ पे रख लिया हूँ। ये हमारे पास है रॉ अगरबत्ती। जब भी आप परफ्यूमिंग करें तो अच्छी क्वालिटी में रॉ अगरबत्ती यूज़ करें, ताकि जो आपका परफ्यूमिंग किया हुआ अगरबत्ती हो अच्छे से फ्लो हो और अच्छे से उनका सुगंध जो है अच्छे से फैलाव हो। तो अच्छी क्वालिटी का आप रॉ अगरबत्ती यूज़ करें। और दूसरा है परफ्यूम, ये मोगरा फ्रेग्रेंस का ये परफ्यूम है और ये मिडिल रेंज का परफ्यूम है, लगभग लगभग 1,000 रुपये के आसपास। और मैं कुछ वेट मशीन रख लिया हूँ। और ये हमारा डीपी ऑयल है। और कुछ बर्तन रख लिया हूँ मैं, जिसे परफ्यूम मिक्स करने के बाद हम उसी में से डिपिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पूरी अगरबत्ती 500 ग्राम वेट के हिसाब से है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो अगरबत्ती की डीपिंग रेशियो जो होती है वो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं 1:4 के रेशियो में आज डीप करूंगा। और बहुत लोगों का फ़ोन कॉल्स आया हुआ था कि उनकी अगरबत्ती परफ्यूमिंग करने के बाद फ्लो नहीं होती, मतलब उनका सुगंध का फैलाव नहीं होता है। तो पूछने पर ये पता लगा कि उन लोग डीपिंग करते समय मीडियम रेंज के परफ्यूम में ज़्यादा डाइल्यूशन में बना रहे थे, मतलब 1,000-1,200 का परफ्यूम ले रहे थे और उसे डीप कर रहे थे। उन लोग लगभग लगभग 1:6 में 1:5 में डीप कर रहे थे। तो कभी भी मिडिल क्लास का परफ्यूम इतना डाइल्यूशन में तैयार नहीं हो पाएगा। अगर आप उसे तैयार करते हैं तो नॉर्मल वो फ्लो नहीं कर पाएगा, और मिडिल रेंज के परफ्यूम में 1:4 और 1:3 में ही सही रहता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप परफ्यूम ज़्यादा महंगा खरीद रहे हैं तो भले उसे ज़्यादा डाइल्यूशन में तैयार करें, और अगर मिडिल रेंज का परफ्यूम है आपके पास तो उसे 1:3 या 1:4 में ही बनाएं। और मैं आज इसे लगभग लगभग 500 ग्राम में तैयार करूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा परफ्यूमिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 500 इसमें परफ्यूम ऐड कर देता हूँ। ये हमारा इसे ज़ीरो कर देते हैं। ये 500 ग्राम मैंने परफ्यूम ले लिया है। 1 लीटर अगर लेता मैं तो मुझे ऐड करना होता 4 लीटर डीपी ऑयल, लेकिन मैं अभी 500 ग्राम परफ्यूम लिया हूँ तो लगभग लगभग मैं 2 केजी, मतलब 2 लीटर मुझे इसमें डीपिंग ऐड करना है। तो इसे मैं ज़ीरो कर लेता हूँ और इसमें मैं 2 लीटर डीपी ऐड कर लेता हूँ। ऐसे आप आराम से धीरे धीरे डालते रहिए, क्योंकि अभी हम उतना परफ्यूम और डीपी नहीं ले रहे हैं, नहीं तो एकदम से आप डालोगे तो परफ्यूम नीचे डीपी ऑयल नीचे आ जाएगा। ये हमारा हो गया डीपी ऑयल 2 लीटर। अब इसके बाद
मिक्स करने के बाद आपको ये परफ्यूम जो है अच्छे से हिला लेना है, ताकि परफ्यूम और डीपी ऑयल आपस में मिल जाए अच्छे से। तो इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको बर्तन रख लेना है, ताकि जो परफ्यूम जो डिपिंग होने के बाद थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा ऑयल जो है थोड़ा सा नीचे आता है, उसके लिए आप किसी बर्तन में आप रख लीजिए। अभी हमारा ये छोटा बर्तन लिए हैं और परफ्यूम भी इसमें मैं कम लिया हूँ, तो मुझे दोनों तरफ से इसमें ऑयल अच्छे से प्रॉपर सूखना चाहिए। और दोनों तरफ से आप डुबाने के बाद इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। आप हिलाने के बाद आप सीधी एक बर्तन में आप रख लीजिए, ताकि जो परफ्यूम इसमें जो एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डिपिंग करना है। इसके बाद मैं इसमें बताऊंगा कि आपको जो डिपिंग का रेशियो होता है वो कैसे निकालना होता है। तो इसके लिए हमें लगभग लगभग परफ्यूम डिपिंग करने के बाद इसे सूखने के लिए 7 से 8 घंटे हमें इसे छोड़ना होगा। उसके बाद हम इसे 1 kg में वेट करके देखेंगे, और वेट करने के बाद जो हमारा आएगा इसमें, क्योंकि वेट करेंगे तो परफ्यूम हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा होगा 1 kg के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वही हमारा डिपिंग रेशियो निकलेगा। तो वो तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसे सूखने के लिए लगभग 8 घंटे लगेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि 1 kg में हमारा कितना रेशियो इसमें एब्जॉर्ब हुआ है। आप इस तरह से अच्छे से हिला के इसमें बार बार डुबोइए, ताकि परफ्यूम अच्छे से इसमें सोख लें।